फ्रेंड्स, इकरा स्किल्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हमारा टॉपिक रहेगा विंडो 10 इंस्टॉलेशन, यानी विंडो 10 को आपके पीसी या कंप्यूटर में कैसे इंस्टॉल किया जाएगा। सबसे पहले आपके पास एक बूटेबल सीडी या फिर पेन ड्राइव होना जरूरी है। आप अपना सीडी ड्राइव या फिर आपके पास बूटेबल पेन ड्राइव है तो आप अपना पेन ड्राइव लगाएंगे सिस्टम को और सिस्टम को रीस्टार्ट करेंगे। जैसे ही आप सिस्टम को रीस्टार्ट करेंगे, आपके सामने और प्रेस एनी की टू बूट फ्रॉम यूएसबी, मैंने यूएसबी से किया, तो कोई भी की प्रेस कर दीजिए। जैसे ये नाम आता है, प्रेस करने के बाद आपका विंडो का सेटअप है वो स्टार्ट हो गया। कुछ प्रोसेस है जो हमें स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। यस, विंडो लैंग्वेज आस्किंग फॉर यू, टाइम और फॉर्मेट आपका, और आपको नेक्स्ट करना है। जैसे ही नेक्स्ट करोगे, इंस्टॉल नाउ। यस, इंस्टॉल नाउ। इंस्टॉल नाउ पे करने पे आपका सेटअप है वो स्टार्टिंग हो गया, स्टार्ट हो गया। यस, एग्रीमेंट एंड लाइसेंस आपको एक्सेप्ट ही करना पड़ेगा, उसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। एक्सेप्ट एंड नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद एक अपडेट का आता है, एक कस्टम का आता है। अपडेट का मतलब अपडेट करना होता है विंडो को, और कस्टम का कस्टम होता है। तो आप कस्टम पे क्लिक कीजिए, उसके बाद आपके जितनी भी पार्टीशंस है वो सारे शो करेगा। अगर कोई पार्टीशन को आप डिलीट भी करना चाहो तो कर सकते हो, फॉर्मेट करना चाहो तो फॉर्मेट क्लिक कर दीजिए। लेकिन याद रखिए, आपका पहला ड्राइव है वो सी ड्राइव होता है जिसमें विंडो होती है। इसमें देखिए प्राइमरी लिखा हुआ है 92.3 GB, ये मेरा प्राइमरी है तो मैं इसको फॉर्मेट कर लेता हूँ। ये सी ड्राइव है तो मैं सी को ओनली फॉर्मेट मारता हूँ। अगर मैं चाहता हूँ इस पार्टीशन को चेंज करना चाहता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं पार्टीशन को छोटा करना चाहता हूँ या कोई और पार्टीशन, तो मैं डिलीट पर क्लिक करूँगा और ओके कर दूँगा। जैसे मैं डिलीट पर क्लिक करूँगा, ये डिलीट हो गया। इसके ऊपर जो आपका पार्टीशन है ये सिस्टम की रिकवरी के लिए होता है, इसको भी मैं डिलीट कर देता हूँ। अब देखिए दोनों मिलके 92.8 हो गया, पहले 92.3 था, अब 8 हो गया। तो मैं इस पर आके न्यू करता हूँ। न्यू करने के बाद में मेरे ये 95 GB का है तो मैं ओके कर देता हूँ। जैसे 95 GB का मैं ओके करता हूँ, एक ड्राइव है ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगा। एक बात याद रखिए, 500 MB ये सिस्टम की रिकवरी के लिए रिजर्व रहता है, ये रहेगा ही रहेगा 500 MB। और पार्टीशन 2, ये मेरा प्राइमरी पार्टीशन है जिसमें मुझे विंडो डालनी है, ये मेरा GB में है, तो मैं नेक्स्ट करूँगा। इसके अलावा मेरे नीचे और भी पार्टीशन, अगर मैं इनको भी डिलीट करना चाहूँ तो कर सकता हूँ, लेकिन मुझे इनको नहीं करना, मुझे ओनली सी को करना था। मैंने सी को करके और नेक्स्ट कर दिया। प्रोसेस आपका रनिंग है, आपका प्रोसेस है वो स्टार्ट हो गया। आप वेट कर लीजिए। फॉर्मेट यानी पार्टीशन वही रहेगा उसी साइज का, सिर्फ उसका जो डाटा है वो फॉर्मेट हो जाएगा। और डिलीट का मतलब होता है आप पार्टीशन की साइज को कम और ज़्यादा कर सकते हो। कंप्लीट इंस्टॉलेशन, सिस्टम को रिस्टार्ट करना है, आप रिस्टार्ट पे क्लिक कीजिए, सिस्टम रिस्टार्ट होगा। यस, फर्स्ट टाइम जब सिस्टम को रिस्टार्ट किया था, बूट फ्रॉम यूएसबी जैसे ही आया, हमने क्लिक किया, एंटर दबाया यानी की प्रेस की। लेकिन इस बार अगर वो नाम आता है तो आपको कुछ भी प्रेस नहीं करना, जैसे चल रहा है वैसे चलने दीजिए, क्योंकि अगर आप प्रेस कर दोगे तो दोबारा विंडो का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। तो मैंने किसी की को प्रेस नहीं किया, मेरी विंडो है वो इंस्टॉलेशन है वो कंटिन्यू चल रही है। 2-3 बार ये बीच में रीस्टार्ट होता है, सो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है अगर आप फर्स्ट टाइम विंडो डाल रहे हो। ये होता है, ये एक प्रोसेस होता है, ये आपका होगा ही। तो मेरा प्रोसेस है वो स्टार्ट हो गया, विंडो मेरी इंस्टॉल हो गई, अब ये बूट हो रहा है सिस्टम। मेरा सिस्टम है वो अपनी जो सिस्टम की फाइल्स है, डाटा कलेक्ट है, डिवाइस है, उनकी इंफॉर्मेशन है वो कलेक्ट कर रहा है। जैसे ही ये कलेक्ट कर लेगा, मेरा सिस्टम है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो एक बार फिर ये सिस्टम आपका रिस्टार्ट हुआ है, इस बार भी सेम नाम आएगा, बूट फ्रॉम यूएसबी। ये आपसे पूछता है कि आप बूट यूएसबी से करना चाहते हो, हमें नहीं कह रहा, क्योंकि हमने फर्स्ट टाइम कह दिया ये उसी से बूट हो रहा है, उसी से विंडो डल रही है। इसके बाद कुछ सेटिंग्स है, मुझे कुछ सेटिंग्स है वो करनी है। एक्सप्रेस पे क्लिक किया, ठीक है, आपका
और जस्ट ए मोमेंट, कुछ टाइम दीजिए। यूजर नेम्स, मुझे सबसे पहले यूजर नेम डालना है। सबसे पहले मैंने यूजर नेम डाला, उसके बाद पासवर्ड, जो भी मुझे पासवर्ड लगाना, उसके बाद हिंट। मैंने 123 पासवर्ड लगाया, नीचे भी 123 डाला और हिंट में मैंने 12 डाल दिया। आपको पूर्ण कंप्लीट नहीं डाला, आपको हिंट के लिए, याद रखने के लिए कि मैंने क्या डाला हुआ, आइडिया लग जाता है एक दो की से। ये मैंने नेक्स्ट किया, नेक्स्ट करने के बाद और मेरी विंडो है वो स्टार्ट हो रही है। Getting everything ready for you. Let's start. ये आपका विंडो स्टार्ट हुआ, ये आपका डेस्कटॉप आया। अब आपको जो भी सेटिंग करनी है वो अपने अकॉर्डिंग कीजिए। ये आपका स्टार्ट बटन है, ये आपके मेन्यूज है, ये आपका डेस्कटॉप है। तो आज दोस्तों हमने सीखा विंडो 10 इंस्टॉलेशन करना। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। लाइक कीजिए, कमेंट दीजिए और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, साथ में बेल आइकन पे भी क्लिक कीजिए हमारे नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए। धन्यवाद, थैंक यू।